दोस्तों मेरे कई जो यूजर्स हैं वो SNF का पूछ रहे थे, SNF कैलकुलेट कैसे करनी है। SNF कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो फैट निकालनी होती है। फैट निकालने के लिए वो मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है गरबर मेथड से कैसे निकालेंगे। दूसरा अब मैं इसको आगे ये SNF कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको बताऊंगा। पहले तो जार लेना हमें, ऐसा डेंसिटी इसकी चेक करेंगे, उसमें दूध डाल देंगे और एक लैक्टोमीटर ले लो जो इसके लिए होता है दूध की डेंसिटी चेक करने के लिए। इसको इसमें अगर वो पहले से किसी दूध में है तो उसको एक बार उसी दूध से धो लो, आप ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। ऐसे वॉश करके इसमें डिप कर देंगे। डिप करने के बाद आपको देखना उसमें रीडिंग, लैक्टोमीटर की रीडिंग कितनी आती है। ये इसका पैरामीटर होता है, इसमें रीडिंग आ रही है 24.5। अगर इसमें 24.5 अगर टेम्परेचर चेक करेंगे दूध का टेम्परेचर, अगर दूध का मान लो आपने 15 रखा है फिर तो हमें कुछ नहीं ऐड करना। अगर दूध का टेम्परेचर ज़्यादा है तो 15 से ऊपर है तो पॉइंट ऐड होते हैं। अब पॉइंट कितने ऐड होते हैं उसके लिए मैं आपको चार्ट दे दूंगा, लिंक में शेयर कर दूंगा चार्ट, तो वो आप चार्ट से करेक्शन कर सकते हैं। अभी मान लो इसका 30 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, 30 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है तो इसमें 30 में 4 पॉइंट ऐड होते हैं। 4 पॉइंट ऐड करेंगे, इसकी रीडिंग इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग है 24.5, 24.5 और CLR वह है 4 पॉइंट ऐड होंगे। LR ये होगी, ये करेक्शन है जो भी टेम्परेचर की है, तो इसकी बन गई 28.5 बन गई। अब आगे इसमें क्या करते हैं, आगे करते हैं इसका फार्मूला था CLR/4 प्लस 0.29 प्लस फैट का दोगुना, प्लस फैट का दोगुना करना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय फैट ऐसे करना है। ये फार्मूला होता है SNF का। मान लो हमारी ये आ गई, हमारी 28.5 आ गई, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना बनेगा, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे जो भी वैल्यू आएगी उसमें 0.25 ऐड कर देंगे, जो भी आएगी वैल्यू उसमें 0.29 ऐड करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा फैट मान लो इसकी है 4.5, तो 4.5 का फैट का डबल कितना होगा, आप कर लो इसको डबल, 10, 9, ठीक है, 5, 10, 9 इतना ऐड होगा इसमें पॉइंट, ये इतना ऐड होगा तो वो हमारी SNF निकल के आ जाएगी। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कैलकुलेटर मेरे पास अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं आपको बता देता, कैलकुलेटर देखता हूँ इसमें, फ़ोन में देखते हैं, खोलना है इसका लॉक। ये ऐसे आएगी, दिखा देता हूँ मैं, 28.5 डिवाइड बाई 4 करेंगे, ये आ गया हमारा 7.12 आ गया, प्लस 0.29 करेंगे इसमें, 29 ये सभी में करना है, प्लस 0.29 करेंगे तो ये आ गया 7.41। अब फैट का दोगुना, फैट मैंने कितनी बताई थी 4.5 है, तो इसका आएगा इसमें प्लस, बैक वाला किधर है इसका, हाँ ये रिजल्ट आया, इसमें प्लस करेंगे कितना फैट का डबल 0.29, ये आगी 8.31, ये इसकी SNF आई है, ठीक है। फैट हमारी थी CLR बनी हमारी 28.5, फैट थी 4.5, इसकी SNF ही आएगी। और काऊ का स्टैंडर्ड होता है स्टार्ट 7.8 या 8.0 से स्टार्ट होता है, तो ये दूध अच्छी क्वालिटी का है, 8.3 SNF है, ठीक है। ओके थैंक्स।